12 देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए 100 व्यक्तियों की आयु के बंटन की माध्यिका आयु के सापेक्ष माध्य विचलन की गणना करें। माध्यिका के सापेक्ष हमें माध्य विचलन निकालना है। देखिए यहाँ वर्ग जो दिए गए हैं अंतिव्यापी है, पहले से अतिव्यापी ओवरलैपिंग में चेंज करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रत्येक वर्ग की सीमा इधर से होगा, निम्न सीमा में 0.5 घटाने तथा उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर, ताकि ये अतिव्यापी में कन्वर्ट हो जाए। चलिए तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट ले लिया। यहाँ पे देखिए आयु दिया हुआ है और इसमें उनकी संख्या दी है। तो संख्या यानी कि ये आपका FI दिया हुआ है, बात को समझे ना। चलिए आयु को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम लोग निम्न सीमा में क्या करेंगे, 0.5 घटाएंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। यहाँ हो जाएगा 15.5 से 20.5, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इसमें घटाएंगे इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20.5 से 25.5। फिर आपका हो जाएगा 25.5 से 30.5। फिर आपका हो जाएगा 30.5 से 35.5। फिर आपका हो जाएगा यहाँ 35.5 से 40.5, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 45.5 से 45.5 से 45.5। फिर यहाँ पर हो जाएगा 45.5 से 50.5। और फिर यहाँ पर हो जाएगा 50.5 से 55.5। यही तक ना था जी। चलिए अब यहाँ पे ये जो आपके पास संख्याएं दी हैं इनको यहाँ लिख देते हैं। 5, 6, 12, 14, 14 के बाद 26, 12, 16, 9। अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF ले लें तो ध्यान से देखिएगा CF का। यहाँ 5, 6, 5, 11, 11 और 12, 23। 23 के बाद यहाँ 23 से 14 आपका हो जाएगा 37, 37 और 26 हो जाएगा यहाँ पर आपका 63, 63 और 12 हो जाएगा आपका 75, 75 और 16 हो जाएगा यहाँ 91, 91 और 9 हो जाएगा यहाँ 100। यानी कि अगर हम लोग इसके योग की बात करें तो n का मान हो जाएगा 100। तो n/2 करेंगे ना जी, हमें पहले यहाँ पे माध्यक निकालना होगा ना जी। n/2 यानी कि हो जाएगा 100/2 कट के 50। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग माध्यक वर्ग कहलाता है, माध्यक वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे आपका माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है 63 है, तो माध्यक वर्ग ही ना हो जाएगा, है कि नहीं। तो माध्यक वर्ग हो जाएगा यहाँ 35.5 से आपका क्या है 40.5। चलिए तो इसमें L का मान माध्यक वर्ग के निम्न सीमा 35.5, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे यहाँ पे CF, तो इसके ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है ये 37, कैपिटल C से भी इसको डिनोट किया जाता है। अच्छा, और H वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई वो है आपके पास 5, ठीक है। एच का मान यहाँ पर 5 है। अच्छा, और क्या है इसके बाद, F बच गया, तो ये इसकी बारंबारता हो जाएगी माध्यक वर्ग की, ये आपकी हो गई 26। चलिए अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे माध्यिका इक्वल टू में मीडियन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो L प्लस n/2 माइनस का CF/F गुना में यहाँ H। तो L का मान यहाँ है 35.5 प्लस में
ऊपर हो जाएगा एन बाई टू 50, और माइनस सी एफ क्या है, तो सी एफ यहाँ पर है 37, ठीक है, और बटा में आपका यहाँ एफ क्या है 26, और गुना एच का मान 5। आगे सॉल्व करते हैं तो 35.5 प्लस में ऊपर 13 बटा में 26 गुना 5, 13 गुना 26 5/2, यानी कि 35.5 और प्लस में 2.5, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 38। एम आ गया, ये आपका एम 38 आ गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो पहले तो हम लोग यहाँ पर यहाँ पे एक्स आई निकाल लेते हैं, वर्ग चिन्ह मिड पॉइंट इन दोनों के बीच का मध्य, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 36 यानी 18 आ जाएगा, यहाँ पे 23 जोड़ेंगे तो 46 होगा, तो 23 आ गया, 23 के बाद 28, 28 के बाद यहाँ आ जाएगा 33, 38, 38 के बाद 43, 43 के बाद यहाँ 48, 48 के बाद 53। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स आई माइनस का जो आपका माध्यिक माध्यिका थी उसका मोड में दे दिया हमने, तो यहाँ पर देखिए हमारा 38 आया है, तो 18 में से 38 घटाएंगे, माइनस का 20 होगा मोड में, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए 23 में से आप घटाएंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, है ना, 23 में से 38 घटाएंगे तो, और मोड में है तो प्लस का, फिर 10 आ जाएगा, फिर 5, 0, 5, 10, 15। चलिए यहाँ पर अब हम लोग ले लेते हैं एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस का एन, तो इसमें हम लोग इससे गुणा करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 100, फिर यहाँ 90, 15 × 90, फिर 120, 70, 0, 60, 160 और 135, इन सबको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़िएगा तो 735 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मीन डेविएशन मीडियन के सापेक्ष क्या हो जाएगा, तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू में मोड में रहेगा एक्स आई माइनस एम और वाई में n। यदि इसका वैल्यू ऊपर आया है 700 कितना था जी, 735 था ना जी, और बटा में 100, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 7.35, समझ गए। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsar.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।